हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे आर्म मशीन कैसे काम करती है और आर्म मशीन के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये यहाँ पे ये इस आर्म मशीन को चलाने के लिए दो जनों की ज़रूरत होती है। पहला एक उधर था उधर की तरफ, दूसरा इधर तरफ, दो तो मिनिमम चाहिए ही होते हैं। तो ये है हमारे जैसे आर्म मशीन। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये है आरी, इसको आरी कहते हैं, आरी। और जिसमें ये भार निकले हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, इससे बहुत सब कट जाता है, मतलब इजीली बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ये। फिर नीचे जब जैसे जो ये हमारे आपको मैंने दिखाई दी जैसे पूरी आर्म मशीन, तो जैसे ही आर्म मशीन चल रही है तो उसमें से जो बुरादा निकलता है, यानी जो वुड कटती है तो उसके अंदर से जो अंदर का जो बुरादा सा रहता है वो निकलता है। तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो यहाँ पर स्टोर होता है नीचे, इसके नीचे वो आ जाता है तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा काम तो इसको जो आर्म मशीन चलाने वाला है उसका इधर जो खड़ा होता है उसी का ही होता है। फिर ये दूसरे उनको बता दें, जो हल्की लकड़ियाँ होती हैं उनको तो हम ऐसे हाथ से यहाँ पे लेके आते हैं फिर काट देते हैं। अब जो भारी लकड़ियाँ होती हैं जो उठती नहीं है, उनको हमें इस ठेली की मदद से उठाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूँ, इसको ठेली कहते हैं। ये मतलब ट्रेन का जैसे ये पटली सी है, उसके ऊपर ये समझ लो ट्रेन है, उसकी पटली है ट्रेन है ये समझ लो। तो अपन लेकिन इसको यहाँ पर गाँव की लैंग्वेज में बोलें तो इसको ठेली कहते हैं। तो ठेली है ये, तो ये मतलब ऐसे चल जाएगी, इसको ऊपर ऐसे लकड़ी रख दो फिर ऐसे उसको यहाँ पर चलेगी, फ्री आराम फ्री ईजिली यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इधर की साइड का, और मैं आपको बताऊँगा उधर की साइड वाले का क्या काम होता है। तो चलो गाइस, हाँ तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इधर की साइड वाले का। अब उधर की साइड वाले का मैंने बताया, उधर से वो लकड़ी काटते हैं, तो उधर से जैसे वो लकड़ी लेके आ रहा है, फिर उसको यहाँ से पकड़ने के लिए एक दूसरे हेल्पर, मैंने आपको बताया था दो लोग तो इसमें मिनिमम चाहिए होते हैं। तो दूसरा वाला है वो उस लकड़ी को पकड़ता है, फिर जब कटता है वो, फिर बाद में फिर तो इससे वो लकड़ी काट सकते हैं। और फिर ये है इसका काम क्या होता है, इसका काम जो आरी मैंने आपको बताया था, आरी जैसे थोड़ी भार है या भीतर है तो इसको इससे हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको अंदर भी ला सकते हैं थोड़ा बाहर भी कर सकते हैं, इधर से खड़े खड़े उस आरी को हम ऊपर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये आता है इसका काम, यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है जैसे आप देख सकते हैं, लकड़ी लगी हुई है। अब इस लकड़ी को, अब जैसे हम इस लकड़ी को हटा देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं होगी क्योंकि अभी ये यहाँ पे बंद कर रखा है हमने। अभी हटा दे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो फिर बाद में इसको आगे की तरफ कर देते हैं तो वे स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वापस बंद करनी हो इसको पीछे की तरफ खींच के फिर ये लकड़ी लगा देते हैं तो बंद हो जाती है। और ये है, ये मोटर से इधर से नीचे से कनेक्ट हो रखा है, तो ये रोटेट होता रहता है, ये मतलब जब स्टार्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूसली रोटेट होता है। तो ये रोटेट होता है तब यहाँ से नीचे से ही जा रखा है तो ये रोटेट होता है। आप देख सकते हो पूरा कनेक्शन यहाँ से नीचे से ये जा रखा है तो फिर ये भी रोटेट होगा। तो आपको मैंने इधर के बताया। फिर इसके अंदर आता है ये डीजल है, जब जैसे जो मोटी लकड़ी आती है तो थोड़ा बहुत मोटर दबती है, इंजन दबता है तो उसको लगाते हैं तो ईजिली कट हो जाती है, ईजिली कट करता है फिर आते हैं। तो गाइस जैसे आपको हम बता रहे हैं, जैसे चक्कू में जैसे काफ़ी दिन तक हम चक्कू यूज़ कर रहे हैं तो उसके मतलब सब्जी ढंग से नहीं काटते वो, उसी तरह हम काफ़ी दिन तक ऐसे इस आरी को यूज़ कर रहे हैं। ये देखो जैसे गाइस आरी एक और इस आरी को जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये भी तो बाद में वुड कट करना बंद कर देगी, तो बंद कर देगी। चक्कू तो वो मतलब कम का आता है तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन आरी को हम ऐसे नहीं फेंक सकते। तो इसका क्या काम है कि जैसे यहाँ पे उस आरी को यहाँ पे लगा के और एक ऊपर है ये आप देख पा रहे हो, इसको ऊपर रख के फिर यहाँ पे ये उसमें धार लगाते हैं, इस मतलब उस आरी को साफ करते हैं, उसके अंदर में कहते हैं धार लगाना। तो यहाँ पे उसको हम धार लगाते हैं इसके अंदर रख के, तो एकदम फिर वो आरी फिर से एकदम साफ़ हो जाते हैं, हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जैसे अब लाइट आ रही है, अब देखो आप देख पा रहे होगे लाइट आ रही है, तो जैसे लाइट आती रहती है तब तो हम इसको इस मोटर की मदद से भी चला सकते हैं। इसको नीचे करो फिर ये स्टार्ट चालू हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा ये स्टार्टर है तो इसे नीचे हो जाएगा। तो ये मोटर है, लाइट आती है तो ये मोटर की मदद से नीचे से जा रखे हैं इसके वो जो मतलब जो वो जब पटे वटे कहते हैं हिंदी में उसको पटे कहते हैं, मोटा सा रहता है कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा। साफ्ट है तो नीचे से जा रखी है, तो ये जैसे लाइट आए तो इससे चल जाएगी मोटर। सब जैसे लाइट नहीं आ रही है, किसी को इमरजेंसी है तो फिर क्या करते हैं, इंजन की मदद से चलाते हैं। ये इंजन है और ये इसके अंदर ये वाला इसके अंदर डीजल डालाना आता है, कम से कम 7-8 लीटर एक बार में डाल सकते हैं हम इसके अंदर डीजल। अब ये इंजन है, इंजन को ये इसका हैंडल इसको घुमा फिर ये चालू हो जाएगा। उसके बाद हाँ ICU का इंजन है, तो फिर ये नीचे से इसका भी नीचे से जा रखा है, दोनों का कनेक्ट मतलब अलग अलग है लेकिन नीचे से दोनों का जा रखा है। नीचे जाके इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये जो रोटेट होता है कंटिन्यूसली, इसलिए रोटेट होता है क्योंकि यहाँ से ये चालू होता है तब। ठीक है, इस तो
चलो गाइस, तो आपको थोड़ी सी लकड़ियाँ बता देते हैं। ये लकड़ियाँ रही। बाय गाइस, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।